रामपुर के रण में हमारे साथ हैं, कभी आजम खान के करीबी कहलाए जाते थे, आज उन्होंने अकाश सक्सेना यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। 50 सानू जी, आपका रोयल गंज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाई, आप भाई है, हाँ बहुत शुक्रिया कि आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। हम तो ये जानेंगे हमारा एज ए चैनल ऑनर के जी आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप आखिरकार एज ए चैनल ऑनर भी तो हमारे भाई हैं। आप बहुत बहुत बधाई आपकी, भारतीय जनता पार्टी में आपकी आप आए हैं, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, आज अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों में आस्था रखी है, इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। कोई मजबूरी रही है क्या? मजबूरी कैसी होगी, काय की मजबूरी, जब जाओगे तब सवेरा। ठीक है, कहीं थे? छः साल लगे आँख खुलने में। मैंने उसका जवाब तो पहले ही दे दिया, जब जाओगे तब सवेरा। अब लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्यों नहीं लड़ाएंगे यार, ये अब्दुल गद्दार ही नहीं करता है, जिसका होता है उसका होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आकाश सक्सेना हनी साहब भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत रहे हैं। उनके जीत का अंतर बाहर बढ़ाने के लिए मैं अथक प्रयास करूँगा, अपने पसीने की एक एक बूंद बहाऊँगा, जैसे कि अपने पुराने दल के लिए बहाता था। आखिर क्या वजह रही जो आजम का साथ छोड़ दिया? कह तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए। अच्छा, मतलब आसिम राजा चुनाव मैदान में है, आपका और उनका चोली दामन का साथ था, कैसे जाएंगे उनके सामने? नहीं, सामने क्यों नहीं जाएंगे, कोई मैंने कोई गलत थोड़ी किया है। मैं तो ये कहूँगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, और हर भारतीय को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। तो अभी जो आपके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। आसिम राजा हो सकता है, मतलब उनसे बात चलेगी क्या? नहीं नहीं, ये तो हल्की बात है, ये अभी मैं हर बात आपको बता दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगी? मतलब निर्विरोध चुनवाना चाह रहे हैं आकाश जी को? आप हो सकता है चुन जाए, दुआ कीजिए आप, प्रयास तो यही है, और निर्विरोध होने ही चाहिए आकाश सक्सेना साहब का, और चुनाव जीतना चाहिए। खतौली में भी हम जीत रहे हैं, मैनपुरी में भी हम जीत रहे हैं। आप आ गए, मशहूर मुन्ना जी आ गए, और कितनी लंबी लाइन है समाजवादी पार्टी की? अब मैंने तो बार बार कहा, अकेले ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, बनता जाएगा कारवा। अब एक इस अदना से कार्यकर्ता ने, इस अदना से अब्दुल ने अपना राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रण लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि और भी लोग और भी अब्दुल रहेंगे। और मैंने बार बार कहा है कि प्यार से प्यार होता है, प्यार हमें भी करना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद करते हैं कि वो हम इससे प्यार करें, पहले दिल हमें भी तो बड़ा करना होगा। भगवा में अब मानने की क्या बात रही? अब तो नारे लगाना पड़ेंगे भाजपा, क्यों नहीं लगाएंगे नारे? भारत माता की जय, तो भारत माता की तो जय होनी ही चाहिए। आप एक बात, एक मिनट सुनिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। आप बड़े अच्छा सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आना चाहिए। मैं चाह रहा था कि सवाल आए, नहीं सुने आप। अखिलेश यादव जिंदाबाद कहते हैं, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद कहते हैं, और इस जिस मिट्टी का हम रिज़्क खाते हैं उसको जिंदाबाद कहने में क्या गुनाह है? आपकी आपके जो पूर्व नेता थे उन पर तो डायन कहने का आरोप है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज मत डालिए। मतलब आजम खान जो मैं जो उनकी बात कह रहा हूँ, जो मैंने चलाई है अभी, तो उनका सवाल तो आप उनसे करेंगे ना, मुझसे थोड़ी करेंगे। समाजवादी की बहरहाल इस समय 50 सानू ने साफ कर दिया कि मेरे आने से एक बार फिर अल्पसंख्यकों का वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर होगा। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।